गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पेपर थ्री का जो है जीके जीएस के जो है टोटल 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। झारखंड सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी, झारखंड एसआई, झारखंड पुलिस, जो भी जो है जेएसएससी के द्वारा जो है परीक्षाएं ली जाती है उसके पेपर थ्री में जो है जीके जीएस का सवाल पूछे जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉप हम लोग जो है आज 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है कल की क्लास में एक सवाल का आंसर जो है गलत था, उसको देख लीजिए। ये सवाल है कल की क्लास में, डे 19 के क्लास में सबसे पहला सवाल था कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती दक्षिण राज्यों में लगभग विशेष रूप से केंद्रित है। हमने जो है आंसर चाय बताया था, चाय नहीं होगा, इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, कॉफ़ी। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। अब आगे देखिए, आज का जो सवाल है 30 नंबर, इसको देखिए कि हाल ही में विमोचन किया गया पुस्तक सड़क से सदन तक के लेखक कौन है। ये जो है झारखंड का जो है करंट अफेयर का जो है सवाल है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, रामचंद्र केसरी, इसका नाम आप लोग जो है याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है झारखंड राज्य की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है, ये भी जो है झारखंड का करंट अफेयर है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, 7.4%। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड बजट 2023-24 में किस स्थान पर नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, झारखंड बजट जो 2023-24 में जो बजट पास हुआ है उसमें किस स्थान पर जो है नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर जो है आवासीय विद्यालय खोले जाने के प्रावधान है, चाईबासा, दुमका और बोकारो में। ये भी जो है झारखंड का करंट अफेयर है, इसको भी याद रखना है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड में कहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। ये भी जो है बजट से सवाल है, झारखंड का बोकारो और रांची में। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ से जीके जीएस का सवाल आते हैं कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ कौन से पर्व के दौरान जो है परिवार के मुखिया की देवगांत आत्मा की श्रद्धांजलि देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां कौन से पर्व के दौरान जो है परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओसुआरी पर्व। ठीक है, ये जो है निकोबार द्वीप समूह की जो है जनजातियों के द्वारा जो है ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें जो है परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके द्वारा जो है जो पूर्वज होते हैं उसको जो है श्रद्धांजलि जो है दिया जाता है। आगे देखिए, एक और है कि फतोरपा यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो फतोरपा यात्रा है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, गोवा में। आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारत ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान के लिए कौन सा जो क्षेत्र है उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था, सूरजमुखी, जूट, सोयाबीन या फिर कपास। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय जो है भारत कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है खो दिया था, कपास का। ठीक है, कपास उगाने वाला क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है भारत खो दिया था, क्योंकि जो कपास वाला जो क्षेत्र था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, आगे जो है एक और सवाल है, उसको देखिए कि भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। इस तरह के सवाल अबर जो है शायद जो है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल जो है 7th JPSC में इस बार जो है पूछा गया था। ठीक है, तो ये सवाल कीजिए कि भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 25, 21, 18 या फिर 23। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। आगे देखिए, एक और सवाल है पंचायती राज से संबंधित, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है बहुत सारे प्रश्न को डिस्कस किया हुआ है,
तो आप लोग जो है पिछला क्लास को देखिएगा। फिर है स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ये जो स्वामित्व योजना है किस मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो स्वामित्व योजना है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, ये जो है केंद्रीय योजना है। ठीक है, स्वामित्व योजना जो है एक तरह का केंद्र सरकार के द्वारा एक केंद्रीय योजना है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है यह योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज जो मंत्रालय है इनके द्वारा शुरू किया गया है। ये जो स्वामित्व जो योजना है ये पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 24 अप्रैल 2021 को। ठीक है, अब पूछोगे स्वामित्व योजना होता क्या है, तो इस योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र जो है ग्रामीण वाला जो क्षेत्र होता है उसको जो है ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा जो है सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को जो है ड्रोन सर्वेक्षण के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों का जो है सर्वेक्षण किया जाएगा। कब शुरू की गई थी? 24 अप्रैल 2021 को। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना पीएम युवा योजना किस मंत्रालय की पहल है। ये भी जो है केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल विकास और उद्यमिता। ठीक है, इसमें जो है प्रशिक्षण वगैरह जो है इस योजना के तहत जो है युवाओं को जो है दिया जाता है। ठीक है, छात्रों को दिया जाता है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। ये सही है। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल ब्राजील में रियो निग्रो है। ये भी सही है। सर्वाधिक रामसार साइट वाले देश यूनाइटेड किंगडम है। ये भी सही है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये गलत है। ठीक है, अब देखो सबसे अधिक भारत में रामसर स्थल कहाँ पर है, कौन से राज्य में। तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में जो है रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या 14 है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके बाद फिर आता है यूपी। यहाँ पे तो यूपी बताया सबसे अधिक, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके बाद कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, ये जो है भारत में जो है टोटल 75 रामसर स्थल है। ठीक है, ये 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग टोटल कितने रामसर स्थल हैं? 75। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, और ये जो हाल फिलहाल 2023 में जो 2 फरवरी को मनाया गया था उसका थीम क्या था? वेटलैंड रेस्टोरेशन। ठीक है, वेटलैंड रेस्टोरेशन ये थीम था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है, 2 फरवरी को, अगर 2 फरवरी 2023 को जो ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है इसका थीम क्या था? वेटलैंड रेस्टोरेशन था। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत में घने पर्णपाती वन आच्छादन के अंतर्गत सबसे विशाल क्षेत्र वाला राज्य है। घने पर्णपाती वन के बारे में पूछा गया है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल में जो है महिला साक्षरता कितना है परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो 91.9%। ठीक है, जो भारत के राज्यों में से सबसे अधिक केरल में है। आगे देखिए एक और सवाल है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है। दादर और नगर हवेली के बारे में पूछा गया है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा या फिर गोवा कर्नाटका। ये जो दादर और नगर हवेली है
जब आप भारत का मैप आप इस तरह से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के जो है बीच अवस्थित है, ठीक है, ए साइड वाले क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी गुजरात और महाराष्ट्र। ये जो दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, ये भारत के पश्चिम साइड में अवस्थित है, कौन से राज्यों के बीच, गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र राज्य के बीच। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है कौन, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला। तो केसर का उत्पादन केवल जो है जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है कि गृह मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। गृह मंत्रालय के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार, अफगानिस्तान या फिर भूटान या फिर नेपाल। इसका राइट आंसर जो है अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ टोटल 106 किलोमीटर जो है भूमि सीमा को जो है साझा करती है, कितना, 106 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो म्यांमार के साथ अगर हम देखेंगे तो म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर, ठीक है, 1643 किलोमीटर। अगर हम लोग भूटान के देखेंगे तो 699 किलोमीटर भारत के साथ जो है भूमि को जो है साझा करती है। नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर जो है भारत के साथ सीमा को साझा करती है, ठीक है, 1751 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, गृह मंत्रालय के अनुसार देश कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है, तो देखो 106 किलोमीटर सबसे छोटा है, अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये जो है ज्योग्राफी का एक नंबर सवाल है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि भूगोल में मेंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो मेंडर जो होता है ये किससे संबंधित है, नदी से संबंधित है। मेंडर का गठन किस प्रकार होता है, जैसे कि नदी का कटाव दाई ओर से फिर बाई ओर से निकल जाती है, यह बड़े मोड़ बनाती है। नदी अगर ऐसे से जाती है, घूमती है फिर ऐसे, तो मोड़ बनाती है ना, और फिर घोड़े की नाल जैसा छोर को मेंडर्स कहा जाता है। देख रहे हो घोड़े जैसा नाल ऐसे बनता है ना, घोड़े जैसा जो आकृति, घोड़े का नाल जो होता है ऐसे होता है। तो नदी क्या है, नदी इधर उधर ऐसे ऐसे होकर जाती है और एक घोड़े के नाल के जैसा जो है इस प्रकार आकृति बनाती है, और इसी को जो है क्या कहा जाता है, ये जो आकृति बनाता है इसी को जो है मेंडर्स कहा जाता है। किससे संबंधित है, नदी से संबंधित है, इसको VVI कर लीजिए, ज्योग्राफी का जो है सवाल है। एक और सवाल है कि कौन सा समिति जो है भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, कौन सा संबंधित, कौन सा जो है समिति भारत में जो है चुनाव सुधारों से जो है संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति भारत में जो है चुनाव सुधारों से जो है संबंधित है, ठीक है। ये जो है समिति का गठन जो है 1998 में किया गया था, इसमें जो है इसमें जो है 8 सदस्य थे, ठीक है, और इन्होंने जो है 1998 में गठन किया गया था समिति का, जिसमें 8 सदस्य थे, और इन्होंने जो है चुनाव से संबंधित जो है 1999 में जो है इन्होंने जो है अपना रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसके बाद जो है एक और सवाल है, इसको देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का पर्वत श्रृंखला है, पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है, निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है, ये भी ज्योग्राफी का सवाल है, इसको देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अन्नपूर्णा, देवमाली, डोड बेटा या फिर देवी माला। इसका राइट आंसर जो है देवमाली हो जाएगा। ओडिशा राज्य में जो है ये कहाँ पर है, ओडिशा, तो ओडिशा राज्य में जो है देवमाली जो है, ठीक है, ये जो पर्वत श्रृंखला देवमाली कहाँ पे है, ओडिशा राज्य में है, ठीक है, कोराटपुर जिले में, ठीक है, और
पूर्वी घाट में स्थित जो है सबसे ऊंचा शिखर बिंदु है। ठीक है, ये जो देवमाली है इसकी पर्वत शिखर की ऊंचाई कितना है? 1672 मीटर। आपको केवल याद रखना है कि पूर्वी घाट का पर्वत शिखर कौन सा है? देवमाली है। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण थी? बंगाल का विभाजन था। ठीक है, अच्छा स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था इसकी घोषणा कहाँ पे किया गया था? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था। वैसे 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, कहाँ पे कलकत्ता है? बंगाल में, वहीं पे जो है स्वदेशी आंदोलन की जो है घोषणा की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन के साथ ही जो है वहाँ पे बहिष्कार आंदोलन भी जो है चलाया गया था। कहाँ पे? बंगाल में ही। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत में एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का क्या अर्थ है? अगर जैसे कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं नौकरी से, उसके बाद उसको जो है पेंशन वगैरह मिलता है, इकट्ठा पैसा मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे ईपीएफओ का क्या अर्थ है? ईपीएफओ का अर्थ होता है, ये जो ईपीएफओ इसका अर्थ होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको जो है ईपीएफओ को ऐसे भी कह सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि, मतलब रिटायर करने के वक्त पैसा वगैरह जो मिलता है ना कर्मचारी वगैरह को, या जो नौकरी करते हैं उसी से संबंधित है। फिर एक और सवाल पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान जो है सुने ही होंगे, तो उसी से संबंधित एक और है कि भारत सरकार ने किस वर्ष जो है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? किस वर्ष में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। 1986 में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारत सरकार का एक जो है ये पहल था। कब जो है शुरू किया गया था? 1986 में। आगे देखिए कि भारत के संबंधित का भाग कौन सा भाग जो है संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारियों इसके अलावा शक्तियों और शासन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग जो है 5। ठीक है, भाग जो है 5 जो है जो अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक जो है। ठीक है, आर्टिकल जो है भाग 5 जो आर्टिकल जो है 79 से लेकर के 122 तक जो है सांसद जो है उसके गठन, उसकी संरचना, उसकी अवधि, उसकी अधिकारियों, उसकी प्रक्रियाओं, उसके विशेष अधिकारों, उसकी शक्तियों के बारे में जो है संबंधित है। ठीक है, भाग 5। आगे देखिए एक और सवाल है कि मोहन जोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़कियां मोहन जोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति निम्नलिखित में से बनी थी, किस चीज से बनी थी? चांदी, सोना, लोहा या फिर कांसा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांसा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो नृत्य करते हुए जो लड़की की जो मूर्ति पाई गई थी मोहन जोदड़ो में, ये जो है लगभग 4,500 साल जो है पुरानी बताई जाती है। ठीक है, और ये जो मूर्ति जो मिला था डांस करती हुई लड़की का मूर्ति, यह मोहन जोदड़ो के एक घर से जो है 1926 में जो है प्राप्त किया गया था। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हो गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चला था? 2007 से लेकर के 2012 तक। समाप्त कब हुआ था? 2012 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2012। ठीक है, ये जो
11वीं पंचवर्षीय योजना जो है समावेशी विकास पर जो है केंद्रित था, इसको भी याद रखना है। फिर जो है एक और सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ज्योग्राफी का, कि कम वायुमंडलीय दबाव का एक विषुवतीय पेटी है, कम वायुमंडलीय दबाव का एक विषुवतीय पेटी है जहां व्यापारिक हवाएं परिवर्तित होती है, क्या कहा जाता है उसको? डॉल्ड्रम्स, नाम सुने होंगे इसका, अगर कहीं ज्योग्राफी अगर अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो डॉल्ड्रम्स जो होता है ये जो है इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्स, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोल्ड्रम्स हो जाएगा, इसको भी याद रखना है। आगे देखिए एक और सवाल है, चौथा नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है, मतलब गलत मेल है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, ये राइट है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में, ये भी राइट है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ये भी राइट है। भीमबेटका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ये गलत है, ठीक है, इसको काट दीजिए। भीमबेटका कहाँ पे है? तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है, गलत कौन सा है? बी गलत है। कहाँ पे है? ये जो है मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए एक और है, ये भी ज्योग्राफी का सवाल है, खादर और बांगर से, ये भी सवाल जो है जैसे कई बार पूछा है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के साथ खादर और भांगर शब्द जुड़ा है? जलोढ़ मिट्टी के साथ। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है भांगर। खादर मिट्टी होते हैं, वे मिट्टी होते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर मिट्टी कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है भांगर मिट्टी कहा जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको भी याद रखिएगा कि खादर और भांगर कौन से मिट्टी के प्रकार से जुड़ा है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक खादर होता है, एक भांगर होता है। खादर जो होता है ये नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, भांगर जो होता है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। बाकी आपको थ्योरी पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका कूका आंदोलन है, ठीक है, ये कूका आंदोलन कहाँ पे है? असम में। कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? असम में, ये गलत है, सबसे पहला ही गलत है। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मालबार में। मालबार में कहाँ पर? केरल में, ठीक है। बहुसंख्यक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में, ये भी सही है। फारसी आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में, ये भी एक धार्मिक आंदोलन था, ये भी जो है सही है। ये कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये जो कूका आंदोलन हुआ था ये जो है पंजाब में हुआ था, और कूका आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था? 1849 में जो है पंजाब में जो है ये आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये जो कूका आंदोलन है इसको जो है नामदार के नाम से भी जाना जाता है, नामदार के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिशों के खिलाफ जो है ये आंदोलन जो है लड़ा गया था। आगे देखिए पहला सवाल, ये भी जो है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित है, ठीक है। अभी आने वाले क्लास में इससे और भी सवाल हम देंगे, लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा गया इसका आंसर बताइए, कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, बहुत चांस है कि इस टॉपिक से जो है मानवाधिकार आयोग से जो है एक सवाल पूछा जाएगा। जितने भी आयोग पढ़ना है वहाँ से सवाल पूछ, जैसे कि महिला आयोग जो है उससे भी सवाल हमने पिछले क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है, तो आयोग से संबंधित जो है वहाँ से सवाल जो है पूछा जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये डोल्ड्रम्स वाला सवाल, इसको देख लीजिएगा, फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसको देख लीजिएगा, और यहाँ पे एक और सवाल था कौन सा समिति जो है भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित था, तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो कंप्यूटर क्लास है ये स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे 4 क्लासेस हो चुकी है अभी तक, ठीक है, टोटल 40 क्लासेस यहाँ पे हो रही है,
यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज क्लासेस लिया जा रहा है, साथ में प्रश्न भी डिस्कस करवाया जा रहा है, एमसीक्यू प्रश्न भी, ठीक है। टॉप प्रश्न जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसमें जो है पीडीएफ भी आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज क्लास भी मिलेगी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है 30 से ज़्यादा जो है अनलिमिटेड टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। इसका फी मात्र जो है 310 रुपये है। अगर आपको डर लग रहा है कंप्यूटर में, ठीक है, तो आप जो है इसको परचेस कर सकते हैं हमारा ऐप से, या फिर अगर आप पढ़ के बैठ चुके हैं कंप्यूटर, ठीक है, पूरा एकदम 100% तैयारी है, तो अगर आपको सवाल लगाना है तो आप जो है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो पीडीएफ में जो सवाल देंगे उसको पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ जो टेस्ट देंगे 30+ उसको कर लीजिएगा। आप कंप्यूटर में 20 प्रश्न पूछा जाएगा, आराम से जो है फुल में फुल मार्क्स जो है आप ला सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे क्लासेस ली जा रही है। A to Z जो है बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जो है यहाँ पे सारे कंप्यूटर से जो है संबंधित सारे प्रश्नों को जो है डिस्कस किया जा रहा है। एक कंप्यूटर क्लास जो है इसमें 40 क्लासेस हम आपको देंगे, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और जून के लास्ट सप्ताह में जो है ये कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐप हमारा है, यहाँ से आप डाउनलोड करके एक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है जो डेली क्लासेस ले रहे हैं, ये सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ज्वाइन कीजिए, और पीडीएफ को जो है आप रिवीजन के लिए, बाद में एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करना है ना, तो उसके लिए जो है आप इसको सेव करके रखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न जो है GK GS का दे रहे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में। इसको आप पढ़िए, एग्जाम में GK GS में काफ़ी अच्छा नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।